सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ रेडीमेड कुर्ती को अल्टर करना। दोस्तों, ज़्यादातर इसमें बड़े साइज़ आते हैं, तो हल्के साइज़ में अगर अल्टर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें मैं सब आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस जरूर करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साथ ही हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे दोनों चैनल की वीडियो आप एक ही एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं। इसकी जो ब्रेस्ट का साइज है 16.5 इंच है, ये 16.5 है जो हमारा आधा नाप होगा, तैयार नाप होता है ये। कमर जो है 14 इंच है, हिप 17 इंच है, जो नेक है गला, ये बैक नेक है 4 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, बाजू 17 इंच की लंबाई, 9 इंच की गोलाई, तीरा है 13 इंच। हमने जो साइज़ लिया था वो साइज़ गलों का हमने इसका नापा था, ठीक है। इसी के हिसाब से हम तीरा रखेंगे, क्योंकि बैक का गला 4 इंच है, तो हमें तीरा पूरा तैयार रखना होगा इसका। और किस हिसाब से ये सूट अल्टर होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस हिसाब से अल्टर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं। हमारी ब्रेस्ट का साइज़ हमने 16.5 बताया था, तो यहाँ पे 8.25 होगा। और आप देखिए, मैं निशान लगा रहा हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए। दोस्तों, अगर मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ तो ये मुड्ढा देखिए कितना पतला होगा, जो कि इस साइज़ में ये टाइट हो जाएगा। और तीरा देखिए, ये तीरा आ रहा है इसका 15 इंच, जो इस साइज़ में 13 इंच हमें बनाना है। तो आप कभी भी जब आपके पास ऐसी कुर्ती आएगी तो आपको 2-3 बातें नोट करनी है। वो क्या बात है, वो इसमें आप ध्यान दें इस चीज़ का। आप कुर्ती तभी पकड़े अल्टर की जब 2-3 बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपकी ओके हो, वरना आपकी कुर्ती ख़राब हो जाएगी, फिर आपको उस कस्टमर के पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, ये मुड्ढा छोटा हो सकता है और ये तीरा बड़ा है, तो इनको आप देख लेंगे तो ये कुर्ती अल्टर कैसे होगी। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कॉलर वाला है या बैक में गला डीप है। तो रेडीमेड में ज़्यादातर छोटा गला आता है, तो इसका बैक गला जो है वो 4 इंच है, यानी कि कॉलर वाला हो या बैक गला 4 इंच हो, तो हमें कटिंग कॉलर वाले के हिसाब से करनी होती है। तो इस साइज़ के अंदर 16.5 ब्रेस्ट में हम जो लंबाई लेंगे, यहाँ से गला बना हुआ है तो यहाँ पर हम 7 इंच के आसपास निशान लगा लेंगे। और सीधे फुट्टे से देखिए, आप इसे निशान को सीधा करेंगे, एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब ये निशान आप लगा लेंगे तो ये सेंटर का फूल है आपका, जो मैंने ऊपर निशान लगाया है, आप यहाँ से 16.5 का निशान लगा लें, 7.25 यहाँ पे रख लें और एक निशान लगाएं, यहाँ पर भी 16.5 का निशान लगा लें। दोस्तों, जब आप ये निशान लगा लेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा मुड्ढा यहाँ से आराम से निकल सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर के हिसाब से चलेंगे, मान लीजिए आपका मुड्ढा ऊपर से नापने के बाद यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, जैसे हमारा यहाँ पे 7 इंच आया, तो इस जगह पे हमारा साइज़ बिल्कुल ओके हो, यहाँ पे कपड़ा भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका यहाँ से 7 इंच आया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे, इस कुर्ती को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आपके बाद यहाँ पर कपड़ा ही नहीं होगा कि आप यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कोई मार्जिन बचेगा आपके पास, तो ये इस जगह पर आपकी कुर्ती मतलब नहीं हो पाएगी अल्टर, ठीक है। रेडीमेड कुर्तियों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, आप ये कुर्ती नहीं पकड़ेंगे। और अगर आपका नीचे आता, जैसे कि इस कुर्ती में ये आ रहा है नीचे दोनों तरफ, बिल्कुल हमने देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बाजू को अलग करना है पूरा। बाजू अलग करने का, साइड की ये जो सिलाई है इसको ना खोलो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खोल लेना, जो कि ये जो कपड़ा आपका देख रहे हो ना, ये झोल पड़ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे ये कपड़ा, ये झोल पड़ रहा है हल्का हल्का, तो हल्की सिलाई खोल लो जिससे हम कपड़े को अच्छी तरह बिठा पाएँ और प्रेस कर लें। तो हम क्या करेंगे, अब बाजू को अलग करेंगे, बाजू अलग करने के बाद हल्की कंधी पे और इस पर आर्मोल पे प्रेस मार के इसे प्रेस कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजू खोलने के बाद जो आपने प्रेस करके इसे फिनिश कर लिया है, तो आप यहाँ से इसकी सिलाई के पास से देखिए दोस्तों, ये जो सिलाई है ना, इस सिलाई के पास से आपको निशान लगाना है। तो ये जो हमने लगाया था 7 इंच पे, लेकिन सिलाई के पास से अगर आपको लेना तो यहाँ पे आप 7.25 लेंगे इस साइज़ में, ठीक है। उसके बाद ये हल्का साइज़ है, कमर जो आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 13.5 इंच पे, और 13.5 के बाद आपकी जो हिप आएगी, वो हिप आएगी आपकी
21 इंच में। अब जैसे कि इस जगह पे निशान हम सीधा कैसे करेंगे, यहाँ पे 6.5 हैं तो यहाँ भी हम 6.5 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे 7.5 हैं तो यहाँ भी हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल निशान बिल्कुल हमारा ओके हो जाएगा। तो हम इसे सीधे फुट्टे से इसे सीधा कर लेंगे सब निशानों को। जब ये आप सीधा कर लेंगे फिर आप एक सेंटर पे भी निशान लगाएंगे। ये निशान लग चुका सेंटर का। तो सबसे पहले हम जो निशान लगाएंगे वो हिप के तरफ से स्टार्ट करते हैं। हमारी हिप थी 17 इंच, तो 8.5 इंच यहाँ पर रखेंगे हम। एक निशान लगाया, दूसरा ये 17 इंच यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। दूसरा निशान है दोस्तों हमारा 14 इंच का, तो यहाँ पर हम 7 इंच रखेंगे सेंटर में, यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ 14 पर निशान लगाएंगे। तीसरा निशान हमारा 16.5 पे, तो यहाँ पे 8.25 रखेंगे और यहाँ पे 16.5 का निशान लगाएंगे। दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आप अपनी सेफ फट्टी से इसको देखिए, एक एक तरफ से इस हिसाब से निशान लगा लें और दूसरी तरफ से फट्टी को घुमा के इस हिसाब से निशान लगा लें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ में समझाता हूँ, रेडीमेड कुर्ती में बहुत बड़ी गड़बड़ी ये होती है। जैसे आप यहाँ से देखिए, जो नीले कपड़े से हम निशान लगा के नापेंगे तो ये 11.25 पे आ रहे हैं, और 11.25 का मतलब हो गया ये आपका होगा 5.5 में एक सूत कम, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कढ़ाई हमारी बिल्कुल सेंटर से हम लेके चलेंगे, तो इस जगह पर देखिए हमारा 2 इंच आ रहा है और इस जगह पर हमारा देखिए 3 इंच आ रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल इसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा आड़ापन है वो ख़त्म हो जाए, वो सीधे में हो जाए। लेकिन अगर आपका साइज ही इतना आएगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको वैसे ही पहनना पड़ेगा। तो ये जब आप ये निशान लगा लेंगे फिर आपको सबसे पहले मैं ऊपर से बताता हूँ कैसे आप सेट करेंगे। ये तो आपकी फिटिंग के निशान हो गए, आप इसको ऐसे बिछा लें, प्रेस आपकी लग जाएगी तो बिल्कुल ओके बैठेगा ये आपका। आप यहाँ से पहले इसको नापेंगे इस हिसाब से ब्रॉडनेस को, तो ये 6 इंच है तो हम यहाँ पे 3 लगा लेते हैं और 13 हमारा 13 इंच, तो यहाँ पे हम 7.25 आधा निशान लेके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और 13.5 यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, 7.5 13.5 हो गया। फिर इसको हम कंधे को नापेंगे, ये कंधे आ गई 4.25, यहाँ से नापेंगे कंधे 4.25, तो 4.25 ये बिल्कुल आपका ओके आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आप नापेंगे, यहाँ से आपका 13 था 13 इंच, तो यहाँ से 6.5 पे एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान लगाएंगे 13 इंच पे, उसके बाद ऊपर तक निशान को सीधा करेंगे हम। जब दोस्तों आप ये कर लेंगे उसके बाद जो हमारा यहाँ से फ्रंट होता है, क्योंकि हम कमीज़ को हमेशा ऐसे करके काटते हैं हाफ में, लेकिन मैं आपको रेडीमेड कुर्ती कटिंग करना बता रहा हूँ, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे 33 इंच में जो आपका फ्रंट आएगा वो आएगा आपका 11 इंच के आसपास। तो यहाँ पे आप देखिए 16.5 में 5.5 इंच निशान ऐसे लगाएंगे और 11 इंच आप यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, फिर इसको ऊपर से सीधा कर लेंगे। जब दोस्तों आप ये निशान लगा लेंगे आपको क्या करना है, ये इस निशान से आप देखिए इसको इतनी गोलाई दे देंगे, आप यहाँ से भी गैपिंग देख सकते हैं, करीब 0.5 इंच 1 इंच की गैपिंग रहे। दूसरा निशान आप इसको इस हिसाब से दे देंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 इंच की गैपिंग है, तो इस हिसाब से दूसरी तरफ भी आप निशान लगा लें। जब दोस्तों आप निशान लगा लेंगे तो मैं आपको एक तरफ का काट के दिखा देता हूँ, दूसरी तरफ बिल्कुल सेम कटेगा। तो किस हिसाब से आप कटिंग करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कटिंग करना है, तो आप देखिए बिल्कुल ये जो आपका निशान जा रहा है बराबर से, आपको पहले बराबर से कटिंग करना है इस हिसाब से, और बैक वाले पल्ले को कटिंग करना है हमेशा। कटिंग कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे एक कट लगा लें फिटिंग का, फिटिंग का कट लगाने के बाद आप इसको यहाँ से इस हिसाब से डाउन कर लें थोड़ा, फिर आप इसका ये पल्ला इस हिसाब से हटाएंगे, और हटाने के बाद ये ध्यान रखें बैक वाला पल्ला ना कटे। अब फ्रंट वाले पल्ले को हम छाटेंगे जो कि हमने निशान लगाया था। तो दोस्तों जब आप इसे देखिए फिनिशिंग से छाट लेंगे, ये फ्रंट वाला हिस्सा छट गया, ये आपका बैक वाला हिस्सा छाट चुके थे हम पहले ही, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर की तरफ में आप देखें ये सिलाई लगी है हमारी, नीचे की तरफ में करीब 0.5 इंच आप यहाँ पे कट लगा लें, ठीक है। ये कट क्यों लगाया ये हम आपको सिलते वक्त बताएंगे, हम यहाँ से सिलाई इस हिसाब से तिरछी लगाएंगे, बाकी का मार्जिन काटेंगे तो आपको सिलते वक्त ये हम बताएंगे, ठीक है। दोस्तों इसी हिसाब से आप दूसरी तरफ वाला पल्ला भी काट लें। तो दोस्तों देखिए हमने दूसरी तरफ भी ऐसी छाँट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमीज को इस हिसाब से
ऊपर की तरफ रखेंगे, और ऊपर की तरफ रखने के बाद इसकी जो हिप थी वो थी 17 इंच। तो हम सबसे पहले तो इसका घेरे का सेंटर लेंगे, जो इसका घेरा 20 इंच है तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। 17 इंच इसकी हिप थी तो हम इसका जो घेरा रखेंगे वो रखेंगे हम 17.5, तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 17.5 पे निशान लगाएंगे। फिर आप देखिए, एक तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको ऊपर से इस हिसाब से सीधा करेंगे, फिर फुट्टे की मदद से आप इसको इस हिसाब से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इसको यहाँ से नीचे से कटिंग कर देंगे, बाकी वाला जो हिस्सा है ये आप खोल लेंगे, ठीक है, बाद में, ताकि मोटा ना हो। तो हम यहाँ से कटिंग करते हैं। एक चीज़ का आपको दोस्तों इसमें ख्याल रखना है कि पल्ले जो भी आप बिछाएंगे वो बराबर और अच्छी तसल्ली से आप बिछा लें। अब जैसे यार ऐसा मोटा हो रहा है तो आप इस वाले सिलाई को खोलने के बाद ये कपड़े को फालतू को काट देंगे। तो आप इसी हिसाब से जो ये निशान लगाया आप इस पर नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे, जो एक बराबर आप मोड़ेंगे तो ओके हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से जब आप कटिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका कमीज बिल्कुल एक बराबर बिछा है। तो आप इसको जो भी हमारी फालतू सिलाई है पहले उसे कटिंग करेंगे तो हमारा फालतू कपड़ा हट जाएगा। या तो आप इसे खोल लें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कभी कभी दिक्कत होती है रेडीमेड में, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। तो आप इस सिलाई को अच्छी तरह खोल लें, खोलने के बाद आप हाथ लगाएंगे तो फालतू कपड़ा जो भी होगा निकल जाएगा, या प्रेस से साफ़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको जितनी भी शेप में मार्जिन देना चाहते हैं उतना मार्जिन दे के कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम हिप पे कट लगा लेते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमने इस तरफ का काटा है दोस्तों, जैसे हमने इधर का काटा है सेम हम इधर का भी इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों जब आप कमीज़ को कटिंग कर लेंगे तो ये आपकी बाजू है जो आपने खोल के प्रेस कर ली थी हमने, अब उसको आप देखिए इस हिसाब से सीधा वाला ऐसे अंदर रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे चार तह में। बाजू की लंबाई थी 17.9, तो 17.5 ऊपर से लेंगे। यहाँ से हल्का साइज है तो हम 3.25 पे निशान लगाएंगे। लगाने के बाद जो हम इसका एक चौथाई लेंगे, 16.5 है तो हम यहाँ पर लेंगे इसका 6.5। 9 इंच इसकी मोरी है, निशान लगा के इसको जैसे कि हम हर बाजू को कटिंग करते हैं सेम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बाजू कट गई है, अब हम आपको इसको स्टिच करके बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कंधी को जोड़ना है। तो आपके यहाँ जो कट हमने लगाया था आप इस कट से स्टार्ट करेंगे, इसे यहाँ पे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद आप इसका देखिए ये जो किनारा है ना, ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे लाके फिनिशिंग से इसको एंड करेंगे। उसके अलावा इसे फालतू कपड़े को काट दें। सेम आप दूसरी वाली को भी करेंगे। जब आप कंडी को जोड़ लेंगे उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया इसी निशान पर हम इसे फिटिंग देंगे। जैसे हमने इधर फिटिंग की सिलाई लगाई है और एक पैर की छोड़ के लगाई है, सेम हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों जब आप दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, फिर आपको मैं एक तरफ का दिखा देता हूँ, जो हमारे निशान लगे दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए, फिर आप इसको इस हिसाब से बिल्कुल सिंगल सिलाई, क्योंकि रेडीमेड में सिंगल सिलाई चलती है, आप सिंगल सिलाई से इस चाक को पलट लें। उसके लिए क्या करना है, आप देखिए इसको इस हिसाब से पकड़ेंगे तो ये सिलाई आ जाएगी पूरी। फिर आप इसको जितनी भी चौड़ा मोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे मोड़ लें। यहाँ पे हम पक्की सिलाई मारेंगे और इसको हम मोड़ देंगे एक बराबर मार्जिन दे के। फिर इस जगह पे आने के बाद आपको क्या करना है, आप बिल्कुल इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, और फिनिशिंग के साथ आप इसको ऐसे पलटें और इस पर भी सिलाई लगाएं और इसको भी एक बराबर मार्जिन लेके इसे पूरा पलट दें। तो ये देखिए दोस्तों, पलटने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल एक बराबर आ गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ का पलटा है सेम हम देखिए दूसरी तरफ का भी पलटेंगे, दूसरी तरफ हमने निशान लगा रखे तो हम सेम दूसरी तरफ का भी पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने सिलाई लगा ली और ये हमारी कमीज की फिटिंग हो चुकी है पूरी। अब हमें बाजू स्टिच करनी है, तो उस बाजू के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ एक पीस बाजू का निकाल के आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, सेम दूसरा वैसे ही बना लेंगे।
तो हम बाजू को पहले स्टिच करेंगे, जैसे हमने निशान लगाए उसी निशान पे। तो बाजू को देखिए दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद आप सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद जिस हाथ की बाजू होगी आप उस हाथ में चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बाजू को हम देखिए इस हिसाब से पकड़ के कट लगा लेते हैं, ठीक है। इस कट पे हम बाजू का सिलाई वाला हिस्सा रखते हैं। तो आप देखिए हमेशा उल्टी तरफ से इसको कुट के लगाने के बाद ऐसे पकड़ेंगे, बाजू का जो सिलाई वाला हिस्सा है उस कुटके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद दोस्तों बाजू वाला हिस्सा नीचे रहेगा, कमीज वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, और आप इसे बाजू चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद बाजू, सबसे आसान तरीका है कि आप इसको जो कट है आपका सेंटर का, आप कंधी से ऐसे मिला लें और ऐसे पकड़ लें, पकड़ के आप एक साथ इसको बिठा लें, फिर इस पर सिलाई लगाएं। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू चढ़ाने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि बाजू ओके चढ़ी है या नहीं, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले यहीं से चेक कर लें, चढ़ाने के फ़ौरन बाद आप चेक करें, जब बाजू बिल्कुल ओके चढ़ी हो, कोई भी झोल ना हो, तो ये समझ लो आपकी पास हो गई। तो जैसे हमने ये बाजू चढ़ाई है, बिल्कुल सेम दूसरी वाली बाजू को भी चढ़ा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कमीज़ को अपनी सीधी कर दिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी फिनिशिंग है जैसे कि हम अपनी कमीज़ काट के बनाई हो। तो ये रेडीमेड कमीज़ आप इस हिसाब से देखिए आप बना सकते हैं। आप पीछे देखेंगे आरमोल में प्रेस, जब आप इसे करेंगे, अभी हमने प्रेस नहीं करी, तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारी कमीज़ अल्टर हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन में प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।